कंपेयर टू द स्टैंडर्ड। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे रात में डिनर के लिए ये दाल को फ्राई करने जा रही हूँ। इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी को भी ऐड कर दे रहे हैं। टमाटर और पास्ता मसाला और ये कसूरी मेथी से और जीरा से फ्राई किया है बस। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं दूध निकाल ली हूँ, इसमें हल्दी और चीनी डाला है और ये यहाँ पर सब्जी लेके आए हैं मेरे हस्बैंड। मैं ऐसे ही कुछ रख दूंगी फ्रिज में, फिर सुबह ओपन करेंगे, देखेंगे क्या लेके आए हैं। ये बर्तन सारा सब वॉश कर लिया है। गुड नाइट फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ पे मेरी मॉर्निंग की चाय बन रही है। इधर मैंने कढ़ाई रख दिया है गैस पे, गर्म हो रहा है। और ये है बथुआ, ये बथुए का साग जा रहे हैं बनाने, एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे बस। तेल गर्म हो गया, मैं इसमें मेथी के दाने डालूंगी। ये भी अच्छे से फ्राई हो गया, तेल गरम कर। अब मैं इसमें लहसुन की कुछ कलियां ऐड करूंगी। मिर्ची नहीं डालेंगे क्योंकि बच्चे को खिलाना है। और फिर मैं इसको बहुत रेड नहीं करेंगे, थोड़ा सा हो जाए। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया लहसुन का थोड़ा सा। अब मैं इधर मैंने दाल भी कुकर में रख दे रही हूँ बनने के लिए। कर दूंगी और क्रीम ये देखिए यहाँ पे मेरा साग बन गया है। बनकर रेडी हो गया है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। ये देखिए आटा लगा लिया है और ये रोटी जा रहे हैं बनाने। उधर दाल बन रहा है मेरा। यहाँ पे मैं चावल कुकर में बंद करके रख दे रही हूँ बनने के लिए। मैं ऐसे ही पानी को अंदाज पाती हूँ कुकर से देख के। और ये दाल भी मेरा इधर बन गया है। रोटी भी बना लिया। ये है हमारी शाम की चाय। शाम की चाय के साथ ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग। हाँ गाइज प्लीज़ आप लोग अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली में प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन के साथ ही सब्सक्राइब करिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग।